हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो केवल गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। देखिए क्या होता है दोस्तों, कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो बात आती है वारेन हेस्टिंग्स की। मैं चाहूँगा कि पिछली चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ। पिछली बार में हम लोगों ने पढ़ा था, जब वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था वो था 1772 से 1785। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1772 की बात कर रहा हूँ मैं। 1772 से 1785 के दौरान भारत में कौन रहा? वारेन हेस्टिंग्स रहा। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर था। देखिए, अंतिम गवर्नर था लेकिन पहला गवर्नर जनरल था। इसी गवर्नर के साथ एक वर्ड लग गया है जिसका नाम है जर्नल, तो ये गवर्नर से क्या बन गया? गवर्नर जनरल। और ऐसा हुआ कब? तो आया तो 1772 में, तो उस समय तो गवर्नर था। 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसी रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर है अब वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान हुआ कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट कैसे करना है, मतलब शासन भारत में कैसे करना है, इसके लिए यह एक्ट आया था। तो जब अंग्रेज आए भारत में तो पहला काम तो उन्होंने ये किया कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि गवर्नर जनरल का पद एक बना दिया। तो 1774 में इनको गवर्नर जनरल की पद मिल गया। 1774 से लेके 1785 यानी कुल 11 साल तक क्या रहे? गवर्नर जनरल बने रहे बंगाल के। देखिए अब इसके बाद मेन चीज़ हमारा क्या है, तो इस पॉइंट पे हम लोग बात कर चुके। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में जब सरकार, जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने व्यवस्था की भारत के लोगों का दिल जीतने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, तो भारत में जो राजे थे, राज रजवाड़े थे, जो राजा थे, वो जो है लोगों के साथ अन्याय किया करते थे, कहीं ना कहीं से मतलब कि दुर्व्यवस्था थी। तो अंग्रेजों ने सबका दिल जीतने के लिए सबसे पहली व्यवस्था किया कि हम यहाँ न्याय को शहीद करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। ध्यान समझिएगा, अंग्रेजों ने भारतीयों का दिल जीतने के लिए, यहाँ की न्याय पद्धति में सुधार करने के लिए, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। किस एक्ट के तहत? इसी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया सबसे पहले, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एलिजा इम्पे। क्या नाम है पूरा नाम उनका? एलिजा इम्पे। तो शॉर्टकट में आप इम्पे याद रख सकते हैं, नहीं तो एलिजा इम्पे याद रखिए। और तीन उनके अंदर और थे न्यायाधीश जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमिस्टर और वाइट। चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट, ठीक है, तीन लोग और थे। तो ये मुख्य न्यायाधीश थे और ये लोग सामान्य न्यायाधीश थे, तो ये तीन लोग और आए। तो मतलब पूरी की तरीके से शासन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अंग्रेजों ने अपना पहला पासा फेंक दिया, और फेंका भी किसने? इसी वारेन हेस्टिंग ने। इसीलिए इसको भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि न्याय की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई। पहला सुप्रीम कोर्ट बना, अब यहीं से जो है न्याय की शुरुआत होगी, तो वारेन हेस्टिंग ने काम किया। अब देखिए, अंग्रेजी सत्ता को या अंग्रेजी सरकार को थोड़े बहुत धन की जरूरत थी, तो अंग्रेजी सरकार ने एक भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली लेके भी आए। कौन? यही वारेन हेस्टिंग। इस प्रणाली के तहत लगान वसूलने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले 1772 में, मतलब जब इनको नियुक्त किया गया था, जब ये गवर्नर खाली थे, तब उसके उस समय इन्होंने एक पंचवर्षीय योजना चालू किया था, ठीक है। उसके बाद 1977 में एक वर्षीय योजना चालू किया। कुल मिला जुला के ये दोनों की दोनों योजनाएं फेल हो गई। कुल मिला जुला के ये दोनों की दोनों योजनाएं फेल हो गई। नेक्स्ट टाइम में जब लॉर्ड कार्नवालिस आएगा तो उनके समय में अस्थाई बंदोबस्ती हमें देखने को मिलेगी, मतलब इनके जो टैक्स। अच्छा, बंदोबस्ती क्या है? बंदोबस्ती कुछ नहीं है यार, टैक्स वसूलने का एक तरीका है, जैसे वैट है, जैसे जीएसटी है, ठीक उसी तरह से उस जमाने में भू राजस्व प्रणाली, बंदोबस्ती, ठीक है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। ये कुछ नया नहीं है, ये टैक्स वसूलने का सरकार का सिस्टम था। तो जो सिस्टम वारेन हेस्टिंग ने लेके आया था वो सिस्टम तो फेल हो गया, ठीक है। तो उसके फेल होने के कई सारे वजह थे, कुल मिला जुला के वो हो गया फेल। अच्छा, इनके जमाने में अच्छा काम यही हुआ, एक तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए, दूसरा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनवा दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है,
इन्होंने दो तीन संधि भी किया। उस संधि में क्या है ध्यान समझिएगा, वारेन हेस्टिंग ने संधि किया सुजाउद्दौला से। सुजाउद्दौला दोस्तों ये अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला से संधि किया गया बनारस की संधि, और इसी संधि के बाद से बनारस पे पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चलने लगी। ठीक है, सुजाउद्दौला संधि किया किसने, वारेन हेस्टिंग ने बनारस की संधि। इसी से प्रेरित होकर नवाब सुजाउद्दौला ने क्या किया कि 1774 में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। जैसे ये बात पता चला किसको, वारेन हेस्टिंग को, कि इन्होंने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया, वहाँ भी एक संधि हुई, फैजाबाद की संधि। ठीक है, फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की संधि में एक बड़ा डिसीजन लिया अंग्रेजी सरकार ने, वो ये कि जो अवध, भाई नवाब कहाँ का है, अवध का, अयोध्या, वही अवध, सुजाउद्दौला। ठीक है, तो यहाँ पे इस संधि के दौरान एक बातचीत हुआ कि जो अवध की बेगम लोग हैं ना, उनके संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजी सरकार लेती है, मतलब अंग्रेज खुद लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अवध की बेगमें थीं उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी किसके पास पहुँच गई, अंग्रेजों के पास पहुँच गई, और बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर लिया गया। तो ये दो काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक तो बनारस में अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर लिया गया, दूसरा अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी वारन हेस्टिंग ने स्वयं लिया, मतलब, और कहा कि ये सुरक्षा का दायित्व तो अब हमारी अंग्रेजी सरकार को है। ठीक है, इसी के समय में 1784, ठीक है, जब इसका 10 साल पूरा हुआ है, 74 से 84, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कई बार क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, तो ध्यान दीजिए इसकी स्थापना किए हैं विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, किसके समय में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में एक युद्ध भी हुआ दोस्तों, जिसका नाम है द्वितीय मैसूर युद्ध। देखिए, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था ना, मैं आपको बताना भूल गया था, वो वेरिलस्ट के टाइम में हुआ था। एक बार मैं चाहूंगा कि आप उसको देख लीजिए। ये देखिए, ये वेरिलस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, वेंसी स्टार्ट और क्लाइव के बाद में वेरिलस्ट। तो वेरिलस्ट का जो टाइम पीरियड था 2 साल के लिए था, 67 से 69। ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। आंग्ल मतलब अंग्रेजों के द्वारा और मैसूर वालों के द्वारा, मैसूर जो दक्षिण भारत में है, और इसका हेड कौन था मैसूर की तरफ से, जो नेता थे वो थे हैदर अली, टीपू सुल्तान के बाप पिताजी हैदर अली, और अंग्रेज एक तरफ। तो इन दोनों में लड़ाई होती है, उसके बाद मद्रास की संधि से ये समझौता हो जाता है, मतलब ये लड़ाई जाके खत्म हो जाती है। किसके, मद्रास की संधि से। तो मैसूर आंग्ल, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो मैसूर से मद्रास, मद्रास की संधि से समाप्त होता है। अब इसके काल में द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। किसके, वारेन हेस्टिंग के काल में द्वितीय मैसूर युद्ध होता है। तो जो द्वितीय मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 के दौरान चला, और मैंगलोर की संधि हुआ। ठीक है, वहाँ किसकी संधि हुआ था, वहाँ पहली फिर मद्रास की संधि हुई थी, और यहाँ पे मैंगलोर की संधि हुई। ठीक है, और इसी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और नेतृत्व जो रहता है वो टीपू सुल्तान के पास आ जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान ने तुरंत एक संधि कर लेते हैं, हम मैंगलोर की संधि, और उसी संधि से ये युद्ध जो है समाप्त होता है। कुल 4 युद्ध लड़े गए दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से जब हिस्ट्री में आऊंगा, तो और डिटेल बात करूंगा। यहाँ गवर्नर जनरल की बात हो रही तो वही बात होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें और नई चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुर्शिदाबाद का एक दीवान था, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मुर्शिदाबाद का एक दीवान था जिसका नाम था नंद कुमार। नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके ऊपर आरोप लगा दिया। इतनी हिम्मत नंद कुमार के पास, नंद कुमार ने आरोप लगाया कि जो मीर जाफर था ना, मीर कासिम, मीर जाफर लोग पढ़े थे ना, मीर जाफर जो स्टार्टिंग में था, तो मीर जाफर की विधवा बेगम जिसका नाम था मुन्नी बेगम, उससे इन्होंने 3.5 लाख रुपया घूस लिया है। किस बात के लिए घूस लिया है, उसका जो अल्प वयस्क लड़का है उसको नवाब बना दिया गया है, उसका नाम है मुबारिकुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद जो राजा बना था वो मीर जाफर बना था, मीर जाफर को बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, फिर मीर कासिम आया, फिर लास्ट में मीर जाफर आ जाता, तो कई बार ऐसी कंडीशन बनी थी, तो वो सब बातें वहाँ करेंगे। तो कुल मिला जुला के यहाँ बात करते हैं कि मीर जाफर की जो विधवा पत्नी थी यानी मुन्नी बेगम, उससे 3.5 लाख रुपये की घूस का जिक्र किया गया नंद कुमार के द्वारा। ठीक है, और किस लिए घूस लिए थे, तो अल्प वयस्क नवाब मुबारिकुद्दौला को संरक्षक बनाने के लिए, कि इन्होंने संरक्षक बनाया और ऐसा किया है, तो क्या वारेन हेस्टिंग चुप रहेगा, अब तो उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जाएगा तो वो चुप रहेगा, नहीं। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो एलिजा इम्पे थे सुप्रीम कोर्ट के हेड मुख्य न्यायाधीश, उनकी मदद से इसको फांसी दिलवा दिया, नंद कुमार को फांसी दिलवा दिया। और जब नंद कुमार को फांसी दिला दिया गया, तो यहाँ पे एक नया वर्ड जनरेट हुआ, न्यायिक हत्या।
कि न्यायिक हत्या, जैसे न्यायिक जन्मदाता कौन था, वारेन हेस्टिंग, और न्यायिक हत्या का भी जन्मदाता कौन है, वारेन हेस्टिंग। समझ रहे हैं किस मुद्दे पे ये बात कहा गया था? तो याद रखिएगा, न्यायिक हत्या का जनक भी किसे कहा जाता है आपको, वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। इसके बाद बर्क, बर्क ने इन पे महाभियोग चलाया, ठीक है। महाभियोग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, राष्ट्रपति के ऊपर हमारे देश में चलता है, तो उसी तरह से महाभियोग जो है चलाया गया। तो इस महाभियोग को चलाया गया किसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर, कि भैया तमाम तरह की बातें होने लगी कि न्यायिक हत्या इन्होंने करवाई है, गलत न्याय करवाया है, तो महाभियोग चलाया गया। ये एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगा हो। किस मामले पर महाभियोग लगा, समझ में आया आपको? और लेकिन वहां की जो संसद थी ब्रिटेन की, उस संसद ने इसको सभी दोषों से मुक्त कर दिया, कुछ हुआ नहीं, लगा स्वतंत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कब से कब मुकदमा चला था इसके ऊपर, तो 1788 से 1795 तक इसके ऊपर क्या चला, मुकदमा चला। वारेन हेस्टिंग को कई नामों से और उपाधि से जाना जाता है, जैसे चूहा और नेवला, ठीक है, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया, ये सब भी उसको कई लोग उपाधि देते थे। तो ये याद रखेगा, चूहा नेवला, एक झूठा बैल का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया। इसके बाद जो आता है दोस्तों, ये आते हैं लॉर्ड कार्निवालिस। ये इनके समय में बड़े अच्छे काम होते हैं, लॉर्ड कार्निवालिस के समय 85 में चले जाते हैं भैया, 11 साल रहने के बाद, 1772 से आया है, 1785 तक अपना उत्पात मचाए रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं 1786 में। तो याद रखें लॉर्ड कार्निवालिस, 786, 786, तो ऐसे याद रहेगा आपको, 786। तो याद रखिएगा, 1786 से 1793 तक कौन है, लॉर्ड कार्निवालिस। इन्हीं के समय में तृतीय मैसूर युद्ध हो जाता है, 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हो जाता है। पहला, दूसरा वाला कब चला था, 1780 से 84, 84 उसके पिताजी मर गए, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मर गए। तो मरने के बाद तुरंत हो गए मैंगलोर की संधि, काम हो गया रुक। लेकिन तीसरा मैसूर युद्ध लड़ लिया किसने, टीपू सुल्तान ने, 1792 में। 1792 में जब युद्ध हुआ, तो वो युद्ध जो है टीपू सुल्तान जो है लड़ा था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। तो हारने जीतने का कोई मसला ही नहीं है। और जो चौथा होगा मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान मारा जाएगा, और मैसूर पर किसका अधिकार हो जाएगा, तो अंग्रेजी सत्ता का अधिकार हो जाएगा। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद जो टैक्स वसूलने की प्रणाली थी जो फेल हो गई थी वारेन हेस्टिंग के समय में, वो नई प्रणाली यहाँ पे देखने को मिलती है, अस्थाई बंदोबस्ती जो आई है 1793। अपने जाने के आखिरी दिनों में इन्होंने ये प्रणाली लेके आए 1793 में। भैया ये जाने वाले भी हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, गवर्नर जनरल के पास से हट जाएंगे, कोई नया गवर्नर जनरल आएगा। तो ये अपने जाते जाते इन्होंने ये काम किया अस्थाई बंदोबस्ती को, और लागू किया बंगाल और बिहार में, क्योंकि तब उस समय तक जो अंग्रेजी सत्ता थी ये यहीं तक फैली थी, इसके आगे अंग्रेजी सत्ता नहीं था, कुछ कुछ था, पूरे के पूरे राज्य में नहीं था। तो बंगाल और बिहार में इन्होंने लागू किया। और ई अस्थाई बंदोबस्ती में आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक शॉर्ट टर्म में आप देख लीजिए कि इसमें नियम बना कि जमींदार जो है ना 10/11 भाग वसूल करके कंपनी को देगा, जो भी लगान वसूला जाएगा उसका 10/11 भाग कंपनी रखेगी, और 1/11 भाग जमींदार जो है स्वयं रखेगा। ध्यान दीजिएगा, 10/11 भाग कौन रखेगी, कंपनी रखेगी, और 1/11 भाग जमींदार जो है स्वयं रखेगा। इन्हीं के समय में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1792 में बनारस में, जिसको स्थापना किया था जोनाथन डंकन ने, जोनाथन डंकन ने किया था, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हुई। इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, ये देखिए, इसके बाद प्रांतीय न्यायालय बनाए गए। इन्हीं के समय में प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना किया गया। प्रांतीय मतलब अलग अलग प्रांतों में, जैसे कलकत्ता प्रांत का न्यायालय बनाया गया, ढाका का बनाया गया, पटना का बनाया गया, मुर्शिदाबाद का। देखिए सब के सब जो है ना, ये पश्चिम बंगाल और बिहार तक ही सीमित है, ठीक है। तो उस समय ढाका का फिलहाल हमारे पश्चिम बंगाल में ही आता था, कोई अलग से देश नहीं था, जैसे अभी तो बांग्लादेश की राजधानी है, ये ध्यान दीजिए। तो प्रांतीय न्यायालय भी इनके समय में यहाँ बनाया गया। दास व्यापार पर रोक लगाया गया। देखिए दास व्यापार पर रोक, जो दासों का व्यापार होता था एक जगह से दूसरी जगह, वो रोक लगाया गया 1789 में, ठीक है, इन्हीं लॉर्ड कार्निवालिस के शासन में। अच्छा, जज जज वगैरह तो आई गए, सुप्रीम कोर्ट बनी गया, इनके समय में प्रांतीय न्यायालय बनी गया। अब इनको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता। 1853 में, देखिए बात 1853 की है, ठीक है, 1853 की आगे बात कर रहा हूँ, ये बात की बात बता रहा हूँ। इनको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि यहीं से सिविल सेवा की परीक्षाएं जो है स्टार्ट हुई, ठीक है। हालांकि 1853 की बात बता रहा हूँ, जब लॉर्ड डलहौजी का समय है, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उस समय से, उसके समय में यह परीक्षा जो है प्रतियोगितात्मक होने लगी, मतलब कॉम्पिटिटिव टाइप की होने लगी, और 1923 में यह परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी। तो जो प्रथम प्रारंभ हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन भारत में ये परीक्षा हुई 1923 से, ठीक है,
लेकिन जो प्रथम भारतीय थे वो 1863 में, देखिए भारत में स्टार्ट हुआ 1923 से, लेकिन प्रथम भारतीय जो थे आईसीएस वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये असम के थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये ध्यान दीजिए। तो ये 1863 में भी आईसीएस क्वालिफाई कर लिए थे। और शुरू कब हुआ था ये, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय, मतलब 1853। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्नवालिस की, तो कार्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जन्मदाता। आप इतना खाली याद रखो, आप खाली इतना याद रखो किसको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, इनको पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस समय आईसीएस की जो प्रणाली थी ये बनने लगी। पहली बार जो प्रतियोगियात्मक परीक्षा हुई है वो डलहौजी के काल में होगी, मतलब अभी काफ़ी समय है, अभी 60-70 साल बाद हो गया ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। तो उस एग्जाम में देखिए 53 में शुरू किया, लंदन में होती थी, 53 में शुरू हुआ और 10 साल बाद 63 में, 53 में स्टार्ट हुआ, 63 में जो है पास कर लिया किन्होंने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद इस परीक्षा को सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पास किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस आईसीएस के पद से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। अधिकतम जो इसका एज टाइम था, बाउंडेशन था, वो अधिकतम 23 वर्ष था। जो लीटन था उसने बाद में आके घटा देता है, 19 वर्ष कर देता है लीटन ने, मतलब और टफ हो जाए एग्जाम, ठीक है। तो याद ध्यान दीजिएगा ये आईसीएस का एग्जाम है। हाँ, जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे आपके परीक्षा में पूछ रहा है कि इस एग्जाम को कॉम्पिटेटिव किसने बनाया, तो वह है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी जो है समाधि भारत में है, गाजीपुर में, ठीक है। एकमात्र गवर्नर जनरल, और एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका महाभियोग चला वो था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लाया कार्नेवाली संहिता अपनी जाते जाते में, 1793 में कार्नेवाली संहिता लाया। ये कार्नेवाली संहिता एक्चुअली है क्या, ये है पृथक्करण सिद्धांत। पृथक्करण सिद्धांत मतलब क्या होता है कि जो कर है, जो सरकार की कर की प्रणाली है, टैक्स का जो सिस्टम है वो, और न्याय, ठीक है, ये प्रशासन से बिल्कुल अलग रहेंगे। जो अंग्रेजी सत्ता चल रही है उससे टैक्स और न्याय ये दोनों अलग रहेंगे, ये दोनों सरकार के हस्तक्षेप में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज तक ये व्यवस्था जो है, आज भी हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल अलग है, मतलब प्रशासन बिल्कुल अलग है, और जो टैक्सेशन का सिस्टम है, ठीक है, और जो न्याय का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, टैक्सेशन मतलब सीबीडीटी, सीबीएसई, ये सब आज भी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे। तो ये पृथक्करण का सिद्धांत जो था वो कार्नेवालिस संहिता ने दिया था, में दिया गया था, मतलब कार्नेवालिस ने ही दिया था, लॉर्ड कार्नेवालिस ने। इसके बाद देखिए आते हैं सर जानसोर। सर जानसोर 1793 से 1798 में सर जानसोर आए। इनके समय में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ 1793 में, ठीक है, चार्टर एक्ट पारित हुआ, और उसमें नियम आया अहस्तक्षेप की नीति, मतलब हम अब राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये नीति लाई गई थी मैसूर के प्रति, किसके प्रति, मैसूर के प्रति लाई गई थी। मैसूर वही जहाँ टीपू सुल्तान अभी हड़कंप मचाए हुए हैं, तो वहाँ हस्तक्षेप की नीति लाई गई। जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जमींदारों को, किसानों को नहीं। यहाँ से समय ऐसा चेंज हुआ कि जो जमींदार थे ना उनको मान लिया गया कि भूमि के असली स्वामी हैं, ठीक है। ये तो बड़ा गलत हुआ यार, सर जानसोर ने आके इतनी बड़ी गलती कर दिया, जमींदारों को वास्तविक स्वामी बना दिया, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। और इन्हीं के समय में एक संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना हुई। इसके पहले जोनाथन डंकन ने जो किया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, वो स्थापना हुआ था संस्कृत विद्यालय का, बाद में उसी विद्यालय को महाविद्यालय में तब्दील कर दिया गया, बनारस में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी देर और मैं आपके साथ समय लेना चाहूंगा आपका। इसके बाद है लॉर्ड विलेजरी। जान सोर के बाद सोर मचा के तो चले गए, सोर क्या मचाया, जमींदारों को दे दिया सत्ता हाथ में, ठीक है। तो लॉर्ड विलेजरी आए 1798 से 1805 तक लॉर्ड विलेजरी था, और उस समय फ्रांसीसियों का प्रकोप थोड़ा बढ़ गया था, युद्ध वगैरह ज़्यादा हो रहे थे अंग्रेजी सेना से, तो फ्रांसीसियों का भय और अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता लाने के लिए इसने एक नीति चलाई, सहायक संधि की नीति, सहायक संधि। इस सहायक संधि में एक नियम बना, ध्यान सुनिएगा, राज्यों के जो वैदेशिक मामले होंगे, वैदेशिक मामले वो कौन डील करेगा, उस पर सारा कंट्रोल अंग्रेजी राज्य का होगा, वैदेशिक मामलों पर सारा कंट्रोल अंग्रेजी राज्य का होगा, लेकिन जो राज्य के आंतरिक मामले होंगे, जो इंटरनल इश्यूज होंगे, उस पर अंग्रेजी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये नियम बनाया गया सहायक संधि से, और अंग्रेजों ने ऑफर दिया जो राजे रजवाड़े थे उस समय के उन लोगों को, तो सहायक संधि को कई सारे राज्यों ने स्वीकार भी किया। कौन कौन से राज्यों ने स्वीकार किया, तो पहले एक बात जान लीजिए, थोड़ा सा बात यहाँ पे नीचे, चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध के बारे में। चतुर्थ आंग मैसूर जो हुआ था ये 1799 में हुआ था, ध्यान दीजिए कितने में, 1799 में। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया,
लाडविलेजरी के टाइम में ये मारा गया। सहायक संधि की शुरुआत हुई और यहाँ पर सहायक संधि के दौरान इस मैसूर जो राज्य था यहाँ पे तो टीपू सुल्तान हट गया, तो एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है वाडियार वंश, वाडियार वंश या आडियार वंश, ठीक है। एक नया वंश आया और ये वंश आ गया अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत के अंडर। सहायक संधि को फॉलो कर लिया, मान लिया और काम हो गया। तो सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार किया था वो राज्य था हैदराबाद। दक्षिण भारत से कहानी शुरू होती है क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार के साइड में तो कंट्रोल पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथों में, तो ये सारा काम जो है दक्षिण भारत और मध्य भारत के लिए है। तो हैदराबाद जो था ये 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप हमारे वैदेशिक मामले को डील करिए और आंतरिक मामले हम लोग अपने आप देख लेंगे। मैसूर जो था 1799 जब टीपू सुल्तान मारा गया तो भाई मैसूर भी इनके अंडर में आ गया। तंजौर भी 1799 का बिल्कुल मैसूर के पास में ही है। 1801 में अवध जो था सुजाऊ दौला वाला पार्ट वो भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। जो पेशवा थे 1802 में पेशवाओं ने भी स्वीकार कर लिया। भोसले जो एमपी में पढ़ते हैं शाहजी भोसले राजा भोसले, ठीक है ना, ये लोग ग्वालियर में होते थे, ठीक है, भोसले तो वहाँ पे उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो 1803 में भी स्वीकार। देखिए 1 2 3 लाइन से, 1 2 3 4 लाइन से लेगा तो 1800 में अवध चला गया, 1802 में पेशवा चला गया, 1803 में भोसले चले गया और 1804 आते आते सिंधिया लोग भी चले गए, ठीक है, बिल्कुल उसी ग्वालियर के आसपास के भी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का जोधपुर था, जयपुर था, मच्छेड़ी था, बूंदी था, भरतपुर था, ये सब राजस्थान के पार्ट हैं, छोटे छोटे रजवाड़े थे, ये सब लोगों ने धीरे धीरे करके एक एक करके सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। मतलब अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे उसका हुकूमत बढ़ने लगा। अंग्रेजी सत्ता ने यहाँ पे काम किया, आईसीएस के प्रशिक्षण के लिए एक भारत में कॉलेज की स्थापना किया सन 1800 में। उस कॉलेज का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। हम लोग पढ़ते हैं कि स्थापना हुआ लेकिन क्यों हुआ, किस काम के लिए हुआ, किसने किया नहीं पता। तो लॉर्ड विलेजली ने किया था क्योंकि इसके पहले कार्नवालिस, इसके पहले भाई था जानसूर और उसके पहले कार्नवालिस, तो कार्नवालिस जो व्यवस्था बना के चले गए थे आईसीएस की, भाई इसीलिए तुमको जो है जन्मदाता कहा जाता, पुलिस सेवा का जन्मदाता, तो सिविल सेवा का जन्मदाता, पुलिस सेवा का जन्मदाता, तो वो बना के चले गए थे। और 1800 में इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। तो इतने सारे राज्यों को आपस में मिला दिया सहायक संधि के माध्यम से, इसीलिए इनको कहा गया बंगाल का शेर। इनकी जो उपाधि थी क्या थी, बंगाल का शेर है, कौन, लॉर्ड विलेजली, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, बस अभी वीडियो यहीं पे एंड होने वाला है। इसके बाद आया जानबालो, एक एक लाइन की बात है। जानबालो 1805 से 1807 तक रहेगा, तो छोटा सा काम है। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ था, यही इसके जमाने में हुआ था। लॉर्ड मिंटो आया दोस्तों, ठीक है, 1807 से 1813। तो देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ठीक इसी टाइम पे जब 1900 में हम एंट्री करेंगे, 1905 7 8 9 के पास, तो वहां पे हमको लॉर्ड मिंटो द्वितीय मिलेगा। तो 100 साल पहले लॉर्ड मिंटो प्रथम और 100 साल बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो बिल्कुल इसको आप याद रख सकते हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13, ठीक है। इसी के समय में अंग्रेजों ने संधि किया राणा रणजीत सिंह के साथ। ये पंजाब के राजा थे, महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, इनके साथ संधि हुई अमृतसर की संधि 1809 में, ठीक है, और जिसपे साइन किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। और 1813 के दौरान, इस संधि के दौरान, अमृतसर की संधि के दौरान, फिर पंजाब के भी काफ़ी राजे रजवाड़े जो है अंग्रेजी राज्यों में शामिल होते चले गए धीरे धीरे करके। 1813 जब इसका लास्ट टाइम था, जाने का टाइम, उस समय एक चार्टर एक्ट आया। भाई देखो 93 में एक चार्टर एक्ट आया था, 1793 में चार्टर एक्ट आया था ना, अब यहाँ से हर चार्टर एक्ट 20 साल बाद आएगा, 93 से 20 साल बाद 1813। अब अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, 23 नहीं 33 में, ठीक है, अगला चार्टर आएगा एक्ट आएगा 1833 में। उसके बाद कब आएगा, फिर 43 नहीं 53 में, 1853 में चार्टर एक्ट आएगा। तो याद रखेगा कि 1793 के बाद हर 20 साल बाद क्या आता है, एक चार्टर एक्ट आता है, तो ये चार्टर एक्ट यहाँ पे आया। इसके अनुरूप इस चार्टर एक्ट में मेन बात क्या लिखी थी कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब मोनोपोली जो कंपनी की थी वो हटा दी गई, मोनोपोली को, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल से जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ इस चीज़ के बारे में बात करेंगे चार्टर एक्ट की, ठीक है। आगे ये बात करते हैं, इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स है। देखिए वो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स, ये खाली लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है, ये 1813 से 23 तक भारत में था, 1813 से 23 तक इसने लाया भारत में रैयतवाड़ी प्रथा। इसके पहले क्या चल रहा था, कानवाली बेचारे चले गए थे, अस्थाई बंदोबस्ती चला के गए थे, ठीक है, और जो पहला वाला था वारेन हेस्टिंग, उसने बंदोबस्ती व्यवस्था चालू किया लेकिन फेल हो गया था। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो रैयतवाड़ी जो है प्रथा चालू करते हैं। अच्छा दोनों में अंतर कितना है, देखिए वारेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में पढ़े जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग जो है काफी बाद में आता है।
1820 में दोस्तों ये लागू हुआ। इसको लागू करने का जो श्रेय था ये टॉमस मुनरो को जाता है, या थॉमस मुनरो। ये बंबई, मद्रास और असम, ऊपर साइड में तो बंदोबस्ती चल ही रहा था, हुआ कि वहां जैसे टैक्स लोग दे रहे हैं वैसे देते रहे यार, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो बंबई जो नीचे था, मद्रास था और असम था, यहाँ पे रैयत वाड़ी व्यवस्था लाई गई। और यहाँ देखिए कि जो भूमि का मालिक था वो किसानों को बनाया गया कि नहीं यार। देखिए जानशोर जो था उसने शोर मचा के चला गया था। क्या शोर मचा के चला गया था? कि भूमि का वास्तविक मालिक जमींदार होगा, बड़ा गलत करके गया था। लेकिन रैयत वाड़ी व्यवस्था में यहाँ क्या किया गया, यहाँ टॉमस मुंडो ने बड़ा अच्छा काम किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने भी अच्छा काम किया कि भूमि का वास्तविक मालिक किसको बनाया, किसान को बनाया। तो किसान के हितों की बात होने लगी धीरे धीरे, और ये अंग्रेजी सत्ता थोड़ा सा अपने चीज़ों में सुधार करेगी। कई सारे युद्ध हुए हैं, देखिए एक हुआ आंग्ल नेपाल का युद्ध, मतलब अंग्रेज और नेपाल के युद्ध बीच में एक युद्ध हुआ 1814 से 1816 में। इसके दौरान हुई सुगौली की संधि। सुगौली की संधि के दौरान जो उत्तराखंड में क्षेत्र पड़ते हैं, गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सारे जो जगह थे ये अंग्रेजी सरकार के अंडर में आ गए। अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत चलने लगी यहाँ पे। किस संधि के बाद? सुगौली की संधि के बाद। कब हुआ? 1814 से 1816 के दौरान, ठीक है। इसके बाद देखिए चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल आंग्ल के साथ मराठा का युद्ध है। मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसके पहले के तीन मराठा युद्ध कब हुए, कैसे हुए। 1817 से 1818 में मराठा संघ का अंत हो गया, पूरी तरीके से मराठा जो है अंडर में आ गया, अंग्रेजी कंट्रोल में। पिंडारियों का दमन, आप लोगों ने मूवी देखा होगा, सलमान खान की मूवी है पिंडारियों के ऊपर, वीर मूवी है, ठीक है। उसमें पिंडारियों के बारे में बताया गया, तो वही पिंडारी है, वहाँ वारन हेस्टिंग्स को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो जब जाता है सलमान खान लंदन पढ़ने का, तो पूरी पिक्चर है, स्टोरी है, बनाई गई है। तो पिंडारियों का दमन भी किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था 1824 में, ठीक है, 1824 में। लॉर्ड एडम्स, इसके बाद कौन आ गया? लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स जो है 1823 में आ गए, ठीक है। स्थानापन्न थे, सचिव थे ये गवर्नर जनरल, और इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो थोड़े समय के लिए थे, बस कुछ ही टाइम के लिए टेम्परेरी रूप से बनाया गया था लॉर्ड एडम्स को। इसके बाद आ गए लॉर्ड एम्सहर्ट, एम्सहर्ट, ठीक है। ये 1823 से 1828 तक गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय में आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, वर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है, उसके साथ युद्ध हुआ था। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपीड़ा, नायपीड़ा, याद मैं बताया हूँ मैपिंग में आपको। तो आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के दौरान लड़ा गया, और यहाँ पे जो संधि हुई ये यांडबू की संधि हुई, और नेपाल के साथ कौन सी हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। यहाँ पे यांडबू की संधि हुई 1826 में, और इन्हीं के समय में एक सैनिक विद्रोह भी हुआ था 1824 में बैरकपुर में, ठीक है, मेरठ के पास है, तो यहाँ यहाँ हुआ था बैरकपुर छावनी में, और सैनिक विद्रोह हुआ 1824 में। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। और अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के ऐड पर आप लोग क्लिक किया करिए, विजिट किया करिए साइट पर, और फिर वहाँ से बैक हो लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा आपका, और स्किप मत किया करिए दोस्तों। 40 सेकंड यार एक का वीडियो भी आप मेरे लिए नहीं देख पा रहे हो, क्या आप मतलब कर रहे हो? मैं आपके लिए इतना समय दे रहा हूँ, 40 सेकंड मैं आपसे मांग रहा हूँ, उसके लिए भी आपको कष्ट हो रहा है, तो समझिए हमारी बात को। थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ और इसके अलावा नहीं मांग रहा हूँ मैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी, और हमारे सामने जो बात आएगी, अभी हम बंगाल के गवर्नर जनरल पे थे, अब हम पढ़ेंगे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बड़ा छोटा टॉपिक हो रहेगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वायसराय पर, तो डिटेल से पूरा कवर करेंगे। मैं चाहता तो छोटा वीडियो बनाता लेकिन संभव नहीं था, तो आप पढ़िए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।